मत करना यार, क्योंकि कॉल पे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर कॉल या तो मैसेज करना, मैसेज करके बोल देना कि आए हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। सर, आज हम बात करते हैं यूके के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स का, एंड यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो आप कैसे इजीली ले सकते हो। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे बताता हूँ, और रीज़न ये बताने का, मैं भी खुद एक एजेंसी के अंदर जाके हूँ दोस्तों, इसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से मुझे क्या क्या मिला और मेरे वहाँ पे क्या प्रोसेस हुई मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे यार एक एजेंसी है, मैं उसका एड्रेस और नेम इसके लिंक में डाल दूँगा, आप देख लेना। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, देखिए मैं खुद उस एजेंसी में मैंने स्टार्टिंग में कॉल किया था, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि भाई यहाँ पे आप ट्राई कर लेना, यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी, वेयर हाउस की जॉब है दोस्तों। एंड क्या रहता है कि मैंने वहाँ पे कॉल किया कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पार्ट टाइम के लिए देख रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि पार्ट टाइम है यार, तो उन्होंने मतलब एक काइंड ऑफ मना कर दिया कि हम पार्ट टाइम्स को नहीं हायर कर रहे, जबकि मेरा जो दोस्त था वो वहाँ पे पार्ट टाइम ही कर रहा था। तो कुछ दिन बाद में मैंने उससे पूछा, मैं क्या भाई मेरे को तो मना कर दिया ऐसे वैसे, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं यार, तो दोबारा जा वहाँ पे, मैं तेरे को नंबर देता हूँ, इस नंबर पे बात कर और मेरा रेफरेंस दे देना वहाँ पे भाई। तो मैंने उसका रेफरेंस दिया, मैंने और मेरे एक दोस्त ने जो भाई अभी कैमरा पकड़ रखा है, तो हम दोनों आज यहाँ पे आए हैं, हमने रजिस्टर भी कर दिया भाई यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, अगर आप जाते हैं और बात करते हैं ना, तो आपकी आपको वो रजिस्टर भी कर लेते हैं। हावेवर दूसरा क्या रहता है, अगर आप सिर्फ कॉल कर लेते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पे फुल टाइम वालों को, ठीक है। फुल टाइम में तो हम डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कर सकते। तो जैसे मैं जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, मैं आपको वो थोड़ा सा बताता हूँ क्या हुआ। बस चली गई दोस्तों, ये बस हमने लेनी थी, लेकिन कोई बात नहीं यार, अगले आएंगे कि 15-20 मिनट बाद वो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम गए, हमने वहाँ पे, मैं और दोस्त बैठे थे, हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई, हमारा ऑलमोस्ट वहाँ पे काम डन हो गया था। एंड में क्या हुआ, वहाँ पे तीन दोस्त और आए भाई, जो मतलब जिनकी इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब कि काइंड ऑफ टूटी फूटी थी। तीन बंदे वो आए, एक बंदा फुल टाइम कर सकता था, दो स्टूडेंट थे, फुल टाइम बंदा जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा था। हाँ, मतलब जो दो बंदे थे ना वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे उनके सामने, एक फुल टाइम था और दो पार्ट टाइम के लिए आए थे। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो मुझे फुल टाइम चाहिए, तो जो पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट ही होंगे, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। अब उन्होंने बोला कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी वहाँ पे अगर इश्यू वगैरह हो जाता है और आप अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो वो आपके और हमारे दोनों के लिए हार्ड हो जाएगा। तो यार मैं रिकमेंड करता हूँ आप आओ इस एजेंसी के अंदर, इस एजेंसी का नाम है फर्स्ट चॉइस स्टाफ, और मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। यार ये मेरा कार्ड है भाई, मैं इसमें बिल्कुल ख़तरनाक लग रहा हूँ, ये मेरे सिग्नेचर्स वगैरह है जो रजिस्ट्रेशन हुआ भाई। ये इन्होंने हमें एक पेपर दिया है, अगर आप जैसे जाते हैं कौन कौन से आप शिफ्टें वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होता है, मैनेजर के सिग्नेचर्स वगैरह करवाने होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो अपने देसी बंदियों को ज़रूरत होती है भाई साहब, ये देखो लगता है इसको पहन के फील आती है भाई। और ये लो भाई, एजेंसी और एजेंसी का नंबर वगैरह इसके ऊपर है, आप लोग इस पर कर लेना कॉल वगैरह, एंड आप ट्राई करना यार एक बार। देखो कॉल मत करना यार, क्योंकि कॉल पे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर कॉल या तो मैसेज करना, मैसेज करके बोल देना कि आई रियली नीड ए जॉब, और कोशिश करना मुझे टच में आना, या फिर हम थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह की कोशिश करेंगे आपको डलवाने की। हावेवर आप एक बार एड्रेस में इसका डाल दूंगा, ये लोकेशन है एस फोर्ट दोस्तों, आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे बसेज आती हैं 555 और ये आपको मिलती है हैटन क्रॉस से। लोकेशन आप जैसे ही डालोगे यहाँ पे तो आपको पता लग जाएगा कैसे आप कहाँ पे आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यहाँ का प्रॉपर एड्रेस आपको डाल दूंगा, एंड आप देख लीजिएगा। एंड तो बेसिकली यही है, अगर आप देखो एक मैं ये है, अगर आप कोई भी जा रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो बात मैं आपको बता रहा था, जब उन्होंने देखा ना मेरा दूसरा जो टर्बन था और दूसरा जो दोस्त था मेरा, हम अंदर बैठे थे, जब उनको बोला उनको इंग्लिश नहीं आ रही, वो हमारे पास आए डबल क्रॉस करने की, जो अंदर बैठे उनको तो इंग्लिश अगर आती है ना, तो उसने लेडीज ने मुझे पूछा डू यू गाइस कैन स्पीक इंग्लिश, मैं कहा यस वी कैन डेफिनेटली स्पीक भाई, दो तीन डायलॉग मारे हमने, आई लाइक योर एक्सेंट भाई, मैडम खुश होगी। और अभी हमारी बस भी आ गई है, तो हम बस में बैठते हैं, फिर देखता हूँ अगर कोशिश रही तो बनाएंगे ऐसे ही। तो यार एक जो लास्ट चीज़ मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एजेंसी को कॉल वगैरह करोगे, उनकी जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है फुल टाइम। पार्ट टाइमर्स को अगर वो हायर भी करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंस के केसेस में किया जाता है, एंड वो काइंड ऑफ थोड़ी सी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो मेक श्योर करिएगा यार, अगर आप एक तो कॉल वगैरह मत करिएगा, जैसे मैंने आपको बोला, कोशिश करिएगा कि आप एजेंसी वगैरह में विजिट कीजिए, और हो सकता है तो किसी का प्रेफरेंस वगैरह डलवा लीजिएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है, बट धीरे धीरे जैसे सेटल होना शुरू करते हो आपको अच्छा लगता है। तो इसी के साथ यार दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सत श्री अकाल, जय श्री राम।